ये मैंने लिया है 1 किलो आमिया, और इसमें मैंने नमक डालकर अंदाजे से ही मैंने डाला है नमक, और मैंने इसको अच्छे से मसल कर रख दिया है। और अब मैं इसे 3-4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, जैसे कि अपना जिससे ये अपना पानी छोड़ देगा, तब तक मैं इसे ढक कर रख दूँगी। और यहाँ मैं लाई हूँ ये 2 किलो आमिया ली है मैंने, और इनको मैंने हमारे यहाँ इसे से कटवा के मिलती है, तो मैंने कटवा के ही ली है। और रात भर मैंने इसे नमक और हल्दी के पानी में भिगो के रख दिया था। अब मैंने इसे पानी निकाल कर थोड़ा सुखा लिया है। अब मैं इनके ये जो होते हैं ना अंदर के बीज, इनको निकाल कर और इसे 2-3 घंटे की धूप दूंगी, क्योंकि हमारे घर पे 12 बजे के बाद ही धूप आती है। और मैं यहाँ इसमें डालूंगी, ये मैं लाई हूँ चमन का आम के अचार का मसाला, ये पूरा 1 पैकेट 2.5 किलो आमी में डल जाता है, लेकिन मैं कम ही डालूंगी क्योंकि मेरे पास 2 किलो आमियाँ हैं। अब मैं इन्हें इस तरह से इसके बीज निकाल के और इसे धूप में सूखने रख दूंगी। ये स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसका थोड़ा काम पूरा नहीं हुआ है, तो ये मैं उसका होमवर्क जो है शीट वगैरह ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे अपने आप तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। अभी जब मैं सारी बना दूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरह से इसकी ड्रॉ करी है सब। और ये मैं हाइलाइटर से ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह का, पहले ऐसे आते थे, इस तरह से आते थे, अब ऐसे आने लग गए हैं। और ये बहुत ही मुझे बहुत पसंद है इससे काम करना। ये मेरे पास एक इस कलर का है और एक ग्रीन है और एक ऑरेंज और ये वाला कलर है। देखिए मैं बना रही थी और मैं बना चुकी हूँ, ये सारी मैंने तैयार कर दी हैं। बस इसकी फाइल बनाना रह गया है। मैं लंच में बना रही हूँ पुलाव, ये मैंने डाल दिया है इसमें मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये सरसों के दाने। मैं जीरा नहीं डालती हूँ, मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। ये मैंने यहाँ ली है पीली सरसों, अगर आपके पास नहीं है तो आप काली भी ले सकते हैं। ये उछल के आएंगे इसलिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है, जिससे कि ये ऊपर उछले ना। ये देखिए आप इसका कलर ये हो चुके हैं ब्लैक। अब मैंने यहाँ जो काट के रखा था अनियन, इसे मैं डाल रही हूँ। यहाँ ये ब्राउन हो रहा है, अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर एक गाजर छिल रही हूँ। प्याज मेरा ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें डालती हूँ नीचे मैंने आलू काटा है एक और गाजर। और मैं डाल रही हूँ इसमें मटर। आप चाहें तो गोभी डाल सकते हैं, मैं सिर्फ गाजर मटर आलू ही डाल रही हूँ। मैं इसमें डालूंगी मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया,
मसाले भून रहे हैं, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। पानी उबल चुका है, अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। मैंने नमक नहीं डाला था, मैं नमक ऐड करूंगी इसमें। अगर आप सोयाबीन की बढ़िया डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, और इसमें आप अगर मैगी मसाला है तो मैगी मसाला डाल दीजिए। पुलाव बहुत ही टेस्टी बनता है आपसे। पुलाव बन रहा है, अब मैं यहाँ चटनी के लिए धनिया साफ कर रही हूँ। मैं इसके साथ में चटनी बना रही हूँ। ये आमी है जिसे मैंने सुखाने के लिए रखा था, और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुकी है। अब मैं इसका डाल दूंगी अचार। मेरे पास है ये चमन के आम का अचार का मसाला, मैं इसे इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें तेल डाल दूंगी सरसों का। मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसे मैं चावल भर के रख दूंगी। आप इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब
अब मैं इसे जार में भर के रख दूंगी। ये मैंने धनिया धो लिया है चटनी के लिए, और मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ, और ये मैं डालूंगी इसमें 3 हरी मिर्च, 3 नहीं मैं 4 ही डाल रही हूँ, और इसमें मैं डालूंगी 2 नींबू, नमक, और मैंने इसमें 2 नींबू डाले हैं, और ये मैं यहाँ में डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा। अब मैं इसकी चटनी बना लूंगी। ये मैंने यहाँ पे रायता डाल दिया है बूंदी का, और इसमें मैं डालूंगी नमक, पीस के सुखा लिया था और इसको मैंने पीसा था, ये मैंने इसमें डालती हूँ रायते में हमेशा, और मैं इसमें इसके साथ इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज, आप चाहें तो डालिए, नहीं चाहते हैं तो मत डालिए, और भुना हुआ जीरा भी मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च, रायता बनकर तैयार है, और यहाँ पुलाव भी बन चुका है, और जो हमारी चटनी बनाई थी वो भी तैयार है। ये पुलाव, चटनी और रायता बनकर तैयार है। ये हो चुका है हमारे दोपहर के लंच की तैयारी। यहाँ मेरी बेटियों खाने हैं फ्रेंच टोस्ट, तो मैं वो बना रही हूँ। मैंने नॉनस्टिक तवा ले लिया है, और ये मैंने 4 अंडे लिए हैं, जो मैंने चटनी पीसी थी इसमें थोड़ी चटनी मिक्स कर दी और नमक डाला है, और यहाँ थोड़ी सी मैं डालूंगी लाल मिर्च, मैं डाल रही हूँ तवे पे थोड़ा सा बटर, मैं चटनी वाले बना रही हूँ तो इससे पूरे हरे बनेंगे, ट्राई कीजिएगा चटनी डाल के अच्छे बनते हैं। और ऑमलेट और ये एग बटर में ही बने तो ज्यादा स्वाद लगता है। मैं इसे फुल गैस पर नहीं पकाती हूँ, सिम पे ही रखा है मैंने, क्योंकि फुल गैस पर रखेंगे तो ब्रेड तो ऊपर से सिक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। और मैं इधर
ब्रेड सीख चुकी हैं और मैं यहाँ इन्हें रख रही हूँ। ये बनकर तैयार हो चुकी है और यही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो और लंबा होता जाएगा। और फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।